किस्मत फर्श से अर्श तक ले जाती है। मोहम्मद गौरी का गुलाम उस दिन हिंदुस्तान का पहला मुगल सुल्तान हुआ, किसने ही सोचा। जी हाँ, इसकी जिंदा मिसाल है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बनवाया थी कुतुब मीनार। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अंकित गुप्ता अपने चैनल पे आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली या कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये वो प्लेस है जो कि अफगानिस्तान में एक मीनार है, जाम मीनार। उसकी कंपटीशन में जो हमारा मुगल शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1199 में इसको बनवाया। और इसको बनवाने का जो मेन उद्देश्य था वो जान के लिए था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसकी पहली पहली मंजिल है वो बनवाई थी, ठीक है। और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने इसको 1236 और आगे बनवाते रहे। तो ये तीन पीढ़ी तक में पूरा कंप्लीट हो पाया। तो चलिए इसके बारे में और आगे जानते हैं, ठीक है, आइए। हिंदू धर्म के 27 जैन मंदिरों के अवशेषों पर बनी यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अपने भीतर एक गहरा इतिहास दबाए हुए है। प्राचीनतम मस्जिद में से एक है और इस प्राचीनतम मस्जिद को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने जो उसका बेटा था या उसका वंशज था उसने इसको 1211 से 1236 तक इसका निर्माण कराया। उसके ऊपर की दो मंजिलें बनवाई हैं और ये देखिए इसके खंभे बिल्कुल मुगलई जो शैली थी उसमें बने हुए हैं और इतनी बेहतरीन कला का जो प्रदर्शन किया है। देखते ही हम प्राचीन जो हमारा मुगल एम्पायर था उसमें वापस चले आते हैं और हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल मुगल एरा में आ चुके हैं। मस्जिद के अंदर ये जो आप लोस्तम देख रहे हैं ये गुप्ता डायनेस्टी का बनाया हुआ है और गुप्ता डायनेस्टी में एक राजा चंद्र होते थे उनकी याद में ये बनाया हुआ है। और ये जो बनाया है ये चंद्रगुप्त जो राजा थे उनके द्वारा बनाया हुआ है। दिल्ली का एक और सुल्तान जिसने संभाली ऐबक के बाद दिल्ली की कमान, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने किया 1211 से 1236 तक राज और बनवाई कुतुब मीनार। यहाँ यहाँ दफन है इस कब्र के अंदर शमसुद्दीन इल्तुतमिश।
अलाउद्दीन खिलजी की अधूरी ख्वाहिश। जी हाँ, यह है अलाई मीनार जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्लान की थी, कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंचाई की मीनार। किसी कारणवश यह सिर्फ 24.5 मीटर तक ही बन पाई और उसके बाद इसे रोक दिया गया। कुरान की आयतों से नक्काशी गई कुतुब मीनार अपने आप में एक अद्भुत ही कहानी समेटे हुए। मस्जिद का दक्षिण मुख्य दरवाजा, जिसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया, लाल बलुआ पत्थर से बना यह गुंबद और नक्श इंस्क्रिप्शन से तैयार यह दरवाजा तुर्की और इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मकबरा है हिंदुस्तान के कहे जाने वाले सबसे क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी का। वह अलाउद्दीन खिलजी जिसने सत्ता हटाने के लिए कत्ल किया अपने ससुर का, वही अलाउद्दीन खिलजी जिसकी प्रेम कथा पद्मावती के साथ प्रचलित है। क्रूरता चाहे कितनी भी बड़ी हो, शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सभी मिट्टी में मिल जानी। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर।